प्राची आ जाए। हाँ यहाँ पे कोई अच्छा सा। तो आप लोग अगर सोच रहे हैं शिफ्टिंग का तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बाकी ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू यूट्यूब फैमिली के सब, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खुश खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे होंगे और अपने जगह मसरूफ़ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं यूट्यूब फैमिली। अगर मेरे चैनल नया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लेकर मेरी वीडियो मुकम्मल करें, फॉलो करें यूट्यूब फैमिली, आप हमारी वीडियो बने रहेगा। फिर सुबह का मौसम और नज़ारा देखें, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही लवली। और अभी जो है ना ख़त्म हो रही है ग्रीनरी, जो है ना वो हो रही है ख़त्म आहिस्ता आहिस्ता, बस थोड़ी सी यहाँ पे बची है, बाकी सब ग्रीनरी ख़त्म हो गया। और जो है ना फसलें भी कट चुकी हैं, सब फसलें कट चुकी हैं, सब फसलें कट चुकी हैं, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बस थोड़ी सी ग्रीनरी यहाँ पे रह गया है, हमारे इलाके की जो ग्रीनरी अब ख़त्म हो गई। फिर तो अभी चलते हैं अपने बगीचे में और आपको दिखाते हैं बगीचा। और माशाल्लाह मेरे बगीचे में काफ़ी सारी चेंजिंग हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, अल्हम्दुलिल्लाह। गार्डन में ये चेक करें, ये भी माशाल्लाह काफ़ी फुटाव कर रहा है। और यहाँ पे चेक करें, बस ये देखें, ये चेक करें, ये माशाल्लाह लगे हुए हैं, अनार लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस गुलाब ने भी माशाल्लाह काफ़ी फुटाव किया हुआ है, और ख़ासतौर पर ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी सारा, काफ़ी लंबी जो है ना टहनी निकाल चुका है, पहले यहाँ तक थी अब यहाँ तक हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी मेरा ये भी सही फुटाव कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये भी शुरू हो गया फुटाव करना, क्योंकि बारिश बहुत आई थी ना इस वजह से। ये चेक करें, ये देखें ये फुटाव कर रहा है, ये देखें ये नए पत्ते हैं, ये देखें ये नए पत्ते हैं। और ये भी इलाची मेरी माशाल्लाह सही फुटाव कर रही है, ये भी चेक करें, ये भी सही फुटाव कर रही है। और ख़ास तौर पर ये भी, ये तो बहुत ही माशाल्लाह मज़ा कर रहे हैं। और ये देखें डोडी, इसको देखें, ये डोडी इसने उठाई है फूल वाली, माशाल्लाह ये चेक करें, ये फूल वाली डोडी है अल्हम्दुलिल्लाह, इसने भी गुलाब ने सही फुटाव किया हुआ है। और सारी चीज़ें माशाल्लाह बेहतरीन जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी सही जा रही है। मोतिया भी, इसने भी काफ़ी सारे फूल, ये मैं देखें ये सारे फूल हैं, और इसने फुटाव भी सही किया हुआ है, ये चेक करें। और ये चेक करें, ये तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, ओहो माशाल्लाह चीकू व्यूअर्स, चीकू ये देखिए, चीकू भी बड़े हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरी सब्ज़ी भी ऐसा ऐसा उगाव कर रही है, ये मिर्ची वगैरह जो है ना सही उगाव कर रही है, और इधर ये भी सही उगाव कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। वाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं खरबूजे, तो यहाँ से लेते हैं खरबूजे, ये देखिए, और है भी यार थोड़े से सस्ते। ठीक है, मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, मैं अपने भाई, पहले मैं सामान ले आता हूँ घर के, या फिर उसके बाद से नहीं मेरा क्या रखिए, तो उसका भी सामान लेते हैं, फिर चलते हैं राशन वाली दुकान पर, देखिए राशन सामान जो मैं लेके आ गया हूँ। और ये रहा मेरी दुकान का सामान, और ये रहा राशन। अभी आपने कुछ लेना है? थोड़ा सा इस दुकान में सामान लेना है, साथ चलें। चलो आपका भी सामान लेते हैं, फिर चलते हैं, चलें। तो अभी हम जो है ना खरीदा भी सामान लेते हैं, और मैं अपने लिए यहाँ से जो लेता हूँ ये रिले, जैसे मैंने बंदवानी अपनी गंदम की फसल, और ये मैंने ढाल ले लिया छानी, ये यहाँ से मैं ये ले रहा हूँ लीले, और छानी ने अपने ढाल ले लिया, तो और भी काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है, देखते हैं और क्या लेना है। और क्योंकि छानी कुछ नहीं लेना, बस खाली रिले लेनी थी। पहले छानी ने झाड़ू भी ले लिया, और मैंने अपने रिले भी ले ली, और बैल के लिए हमने वो उसका जो नकोड़ा होता है वो भी हमने ले लिया है। तो अभी चलते हैं आगे, और भी कुछ लेना है? नहीं, सब्ज़ी वगैरह, सब्जी लेके फिर आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी रीलें ये पड़ी हुई हैं, और बाकी सामान आगे लटका हुआ है, और कुछ ही मैंने शानी लेके अंदर चली गई है। तो अभी अंदर चलता हूँ, पानी पीता हूँ, और नैना पानी लेने जा रही है। कैसे अलिशबा, ठीक है? जी अम्मी, आप सुनाए, आप सब कैसे हैं? हम सब से ठीक हैं, तबीयत सही है, परेशान तो है थोड़े, इधर झगड़े सब चीजें चल रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। फिर क्या सोचा? कोई यूट्यूब फैमिली कहते है इस्लामाबाद चले जाए, कोई यूट्यूब फैमिली कहते है कराची चले जाए, आप बताए क्या करें? अच्छा,
मैंने कहा आप लोगों ने इतना प्यारा घर बनाया है, इतना प्यारा किचन बनाया, इनको छोड़ के कहाँ जाएंगे इतना प्यारा घर। ये तो सोच रही हूँ क्या करूँ, हालात बहुत ज्यादा ही खराब हो गए, झगड़ा इतना बढ़ गया, आपको क्या बताऊँ। कोशिश में लगे हुए हैं सुलह हो जाए, उम्मीद तो है। कोशिश है, बहुत ज्यादा कोशिश है सुलह हो जाए, अभी तक हो नहीं रही। दोनों तेरे मामे हैं उधर से, तेरा आपकी नानी है, परेशानी तो बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, काम हो जाएगी इंशाल्लाह, दुआ करें सुलह हो जाए। क्या करें आलिश भाभी, वैसे आप कुछ दिनों के लिए कराची आ जाए। कराची आ जाए, हाँ यहाँ पे कोई अच्छा सा घर हम ढूंढ देते हैं आप लोगों को, यहाँ आके रेस्ट कर जाए, सुकून हो जाएगा। चलो ढूंढो आप घर, तो ढूंढे पहले पहले अल्लाह करे इधर सुलह हो जाए, सुलह नहीं हो जाए तो आप घर तो ढूंढे। हो जाएगी इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह, दुआ पूरी है, कोशिश पूरी है। आप सुनाए तबीयत कैसी आपकी? ठीक है, सब ठीक है। आमिर, वकार, फातिमा सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, आप जैसे टेंशन ना लिया करें। बस टेंशन आ जाती है, क्या करूं, खुद ब खुद आ जाती है टेंशन। जी भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप बताएं क्या करूं? ये जी भाई काट रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर सोच रहे हैं शिफ्टिंग का तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बाकी ये मुझे बता देना किस तरह घर चाहिए, क्या रेंज, ये सब कुछ वो आपको ढूंढ के दे देंगे हम। ये तो मुझे पता नहीं है घर कैसा मिलेगा, ये मुझे ये रेंज का पता नहीं है। वो बताए ना आप लोग को कितने कमरे वाला चाहिए, जैसे हमें 4-5 कमरे चाहिए, हमें पता है कितने उसके प्राइस है और वहाँ पर किस क्या सिस्टम होना चाहिए, पानी वानी का, ये सब चीजें देखनी पड़ती घर के बारे में ना। 4-5 कमरे हमारे इतना वो नहीं है इनकम, 4-5 कमरे, एक कमरा। हम अपने हिसाब से घूम रहे हैं, आप लोगों को तो 2 कमरे ले चाहिए ना, आपके बच्चे भी हैं तो आपको 2 कमरे ले चाहिए, तो मिल जाते हैं। नहीं नहीं, एक कमरा, 2 बच्चे हैं, 2 हम हैं, बस एक कमरा पूरा सही है, मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, कोई मसला नहीं यहाँ पर। जी आप लोग सोच रहे हैं अगर माइंड बना रहे इस तरह का तो मुझे बताए, मैं फिर करता हूँ। जी जी हाँ, हमारी ये परेशानी दूर करे, हो जाएगा अच्छा, कोई मसला नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बस ये है कि मैं अभी अपने भी ढूंढ रहा हूँ, साथ साथ आपको भी ढूंढ लूंगा, अगर आप लोग को चाहिए तो मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा अच्छी अच्छी वीडियो पे। जी जी ठीक है, जी जी। इधर आज मेरी गंदम की गड्ढियाँ बांधी जा रही हैं और जो है ना ये देखिए, ये सब गंडलियाँ बंधी हुई हैं, तो फिर इसके बाद गंडलियों के बाद थ्रेशर लेके आएंगे, फिर जो है ना वो निकालेगी दाना और भूसा। अभी हो गया जानवरों का घास कटे हैं हम काटने का, तो मेरी बहन ने मशीन चलाई हुई है और मैं भी इसका साथ देता हूँ, आप देखते हैं और अभी मैं भी उसकी हेल्प करता हूँ घास कटवाने में। आज मैंने ये काम करना है, यहाँ से जो है ना पानी ने किया था बहाव और यहाँ पे देखें सारा नीचे बैठ गया था मेरा एरा, तो इस एरे की मैं सेटिंग करूँगा, ये चेक करें मैंने की है थोड़ी सी सेटिंग, फिर भी अभी जो तगड़ भी लेके आया और कसी और यहाँ देखें, ये देखें ये सब इलाका, तो इसकी रिपेयरिंग करते हैं और यहाँ मटेरियल लगाते हैं क्योंकि ये जो है ना गिर जाएगी और मेरी दुकान का भी गिरने का खतरा, क्योंकि पानी इसके अंदर भी गया था, तो पूरी यहाँ मट्टी लगाऊंगा और यहाँ से लगाऊंगा, देखते हैं कितनी देर लगती है, काफ़ी मट्टी तो काफ़ी लगेगी, तो मैं भी इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करूंगा और फैनल करके जाऊँ, उम्मीद तो है कर लूँगा इंशाल्लाह। ओए ओए बहुत थक गया व्यूअर्स, बहुत थक गया, काफ़ी काम था, अल्हम्दुलिल्लाह काम मैंने कर दिया है, अब मट्टी लगा दिया है, बेहतरीन हो गया, अभी इसको जो है ना दबाऊंगा मैं ऐसे थोड़ी सी सीधी करके दबाऊंगा, बस काम हो गया फुल एंड फाइनल, अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया है, सारा काम हो गया है। भाई मुजम्मिल साहब, भाई मुजम्मिल साहब क्या हो रहा है? मूवी देख रहे हैं। मूवी देख रहे हो? जी। कौन सी मूवी देख रहे हो कोई हमें बताओ? वेनम। कौन सी? वेनम। वेनम जी। ये कौन सी है? ये मैंने कभी नहीं देखी। इसमें एक मॉन्स्टर होता है। अच्छा मॉन्स्टर वाली है? जी। वो मॉन्स्टर क्या करता है? मतलब इसके अंदर चला जाएगा, जब इसके अंदर होगा तो इसके अंदर चला जाएगा जी। अच्छा
जब इसके अंदर जाएगा ये सब को खाता जाएगा। अच्छा 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 जो अच्छे होंगे बड़े वाला बन जाता है जी। अच्छा जो अच्छे होंगे उनको छोड़ के जो गंदे होंगे खा जाएगा। अच्छा और आप सुनाओ सब ठीक है जी? आप भी देख रहे हो मूवी? हाँ देख तो रहे हैं। अच्छी मूवी है ये? बस ठीक है, गुजारा है। और मुजम्मिल तो बड़े शौक से देख रहा है यार। तो आज जो है ना रिजबा से हमने डिस्कस किया है कराची में शिफ्ट होने के लिए, डिस्कस किया है कि उसको कहा कि क्या किया जाए, तो उसने कहा कि आप जो है कराची रहें। और जो है ना साजिद भाई भी कह रहे हैं कि आप जो है ना कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद चले आए, तो जो है ना देखते हैं कराची जाते हैं इस्लामाबाद। तो दोनों तरफ से ऑप्शन है, कराची जाने का भी ऑप्शन है और इस्लामाबाद जाने का ऑप्शन है। तो देखते हैं, पहले तो उम्मीद है अल्लाह करे मसला जो है ना हल हो जाए। वो सारा उम्मीद तो है काफ़ी हल हो जाएगा, लेकिन फिर भी कन्फर्म पूरा नहीं है, क्वेश्चन में लगे हुए हैं सब। और बाकी जो है ना आमिर को भी हमने कहा है कि जो है ना कोई अच्छा सा घर ढूंढे, अगर कोई अच्छा सा घर मिल जाए तो हमें बताना। तो उसने कहा हम जो है ना अपना घर भी ढूंढ रहे हैं और आपके लिए भी देख लेंगे कोई कमरा वगैरह। तो देखते हैं क्या होता है और क्या आगे का प्लान बनता है। तो इंशाल्लाह जो होगा बेहतर होगा। और यहीं पर अपना ब्लॉग भी मैं ऐड करता हूँ। उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा, और पसंद है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हाफिज़।